बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कराची वालों, तो निकले कहीं बाहर घूमने फिरने का? इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है कराची में कि लफ्ज़ों से तो मैं बता ही नहीं सकती। आप लोग ख़ुद जाएं बाहर घूमने अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। इतना अच्छा मौसम है कि बस आप ये देख सकते हैं, हरे हरे दरख्त इतने प्यारे लग रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएँ और मौसम बिल्कुल ही हसीन, हसीन से हसीन मौसम हो रहा है। मैं आपको लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। वो कह रहे हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया है बिल्कुल, ऐसा मौसम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी सुबह इतनी हसीन हुई है तो इंशाल्लाह मेरा पूरा दिन भी आज अच्छा ही जाएगा। तो और रोटों का ये पानी वानी तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर चुकी हूँ क्योंकि मौसम ने तो मेरा मूड ही बदल दिया है। तो आप सब भी इस मौसम को इन्जॉय कीजिए, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस मौसम को। और मेरे हाथ में है इस वक्त गर्म गर्म चाय का कप और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस मौसम को देख के चाय पीने में। और अल्लाह पाक बस मुझे इतना अच्छा सा कोई घर दे दे जिसमें गार्डन हो, मैं गार्डन में बैठ के आराम से चाय पीऊँ तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये पीछे की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, मेरे बेटे मुझे तंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप देख रहे होंगे। और ये देख सकते हैं आप, वो भी उठ चुके हैं और मेरी गोद में आके लेट गए हैं मेरे बेटे। उनकी तबीयत सही नहीं हो रही क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। और वो कहते हैं ना, माँ के पास ही बच्चा आता है, और जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होती है तो ये अपने बाबा के पास भी नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही रहता है ये। तो आप लोग मेरे बेटे को भी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। तो अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इस मौसम को इन्जॉय कीजिए। आप भी अपने घरों से निकले, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को लेके कहीं घूमने फिरने जाए। फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।